हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उड़ीसा जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को और साथ ही सिलेबस को। स्टार्ट करते हैं स्टेजेस के साथ। तीन स्टेजेस में बेसिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। प्री एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म एग्ज़ाम होता है एमसीक्यू फॉर्म में, मेंस एग्ज़ाम जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है रिटन एग्ज़ाम, और थर्ड आता है इंटरव्यू। प्री एग्ज़ाम में सिंगल पेपर होगा 100 मार्क्स का, 100 ही क्वेश्चन होंगे, उसमें एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपकी 25% होती है, जो कि आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसके साथ ही 1.5 घंटे का पेपर होता है आपका, तो 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आप भी PCSJEE क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस केस में आनंद सर लाइव कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी में आप कम्पीट करते हैं थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ जो कि सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। पेड क्लासेस के साथ अनअकैडमी आपको फ्री क्लासेस भी देता है जो कि लाइव होती हैं, जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, ज्यूरिसप्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CRPC, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड और एविडेंस सेट के अलावा अदर क्लासेस भी अवेलेबल हैं यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी। यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आपके क्लास के बीच में ही पोल का ऑप्शन आता है, रेज़ अ हैंड का भी ऑप्शन यहाँ पे लाइव क्लासेस में दिया गया है कि कोई भी डाउट हो तो ऑन द स्पॉट आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आपको नोटिफिकेशन आपकी अवेलेबल रहेगी हमेशा। लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं वो PDF फॉर्म में आपको क्लास के बाद अवेलेबल होते हैं, और आप कहीं से भी क्लास ले सकते हैं, कभी भी क्लास ले सकते हैं आप। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की बात करें तो इंडियाज़ के बेस्ट एडुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके साथ ही आपका जो PDF फॉर्म है वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाता है हर क्लास का। जुडिशरी लिंकिंग बैच जो कि तनसुख पलिवाल सर की टीम करा रही है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि फोकस करेगा राजस्थान, UP, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, MP और अदर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए। इसके साथ ही एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू डिफरेंट बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें आप टारगेट बैच फॉर जुडिशरी, कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच और जुडिशरी फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। T20 मॉक टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जो कि IPC मंडे, CRPC ट्यूसडे, CPC वेनसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे को 9 से 9:30 क्लासेस होती हैं। इसके बाद फ्राइडे को मिक्स सब्जेक्ट का MCQ कंडक्ट कराया जाता है। पेड सब्सक्रिप्शन के प्लान की बात करें जो कि 1 महीने से लेकर 24 महीने तक अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें लेकिन अगर आप आनंद सर लाइव कोड यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी प्लान हो तो उसमें आपको 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ही YouTube पे भी अनअकैडमी जुडिशरी लाइव क्लासेस कंडक्ट कराता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। प्री एग्ज़ाम की बात करें तो टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, IPC, लिमिटेशन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ सक्सेशन जिसमें कि इंडियन सक्सेशन एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट दोनों इंक्लूड होता है, इसके साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, यही 10 सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपके लिए। मेंस एग्ज़ाम में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 इसमें कंपलसरी पेपर हैं जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आपको देना ही है। इसके साथ आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप 3 ऑप्ट कर सकते हैं, तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। कंपलसरी पेपर्स की बात करें तो पहला पेपर 1 जो कि जनरल इंग्लिश का है, जिसमें आपके ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन आती है, जिसमें आपको इंग्लिश टू उड़िया और उड़िया टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी होगी। उसके बाद शॉर्ट एसे है 150 वर्ड का, एसे राइटिंग है आपकी 300 वर्ड की, और एक पैसेज आएगा अनसीन पैसेज जिसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल वेटेज इसकी 150 नंबर है। दूसरा पेपर जो कि प्रोसीजर लॉ का है, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं आपके, CPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, इसकी वेटेज भी 150 नंबर है, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा ये। ऑप्शनल पेपर्स की बात करें तो टोटल आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको 3 सेलेक्ट करने होते हैं सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट है लॉ ऑफ क्राइम्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जो कि 150 नंबर की वेटेज है। दूसरा तो पेपर आता है पर्सनल लॉ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक्ट इंक्लूड है। तीसरा जो सब्जेक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें TPA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट है। चौथा सब्जेक्ट है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये 4 एक्ट हैं 4th पेपर में।
और फिफ्थ पेपर है जुरिस्प्रूडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन पांचों पेपर में से आपको तीन ऑप्ट करने होते हैं मेंस में, और दो कंपलसरी पेपर आपके पास हैं। सबकी वेटेज 150 नंबर की है। जो मीडियम है लिखने का आपका, ये आपका पेपर इंग्लिश में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर स्पेसिफिकली स्पाई नहीं कर रखा कि उड़िया लैंग्वेज में लिखना है या हिंदी में लिखना है, तो उस केस में आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू की, जो कि 100 मार्क्स ही होती है। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 100 में से आपके 40 नंबर इंटरव्यू में आने ही चाहिए। लेकिन जो मेरिट बनेगी फाइनल सिलेक्शन की, वो मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे बनती है, ठीक है। अगर डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।